शायद बीजेपी में आए, फिर जेजेपी में गए, आज फिर बीजेपी में आ गए। विजय जी क्या कहेंगे आज? मैं आज भी पूरी आस्था मेरी बीजेपी में है, मैं बीजेपी में ही हूँ। ठीक है, ये गठबंधन की सरकार के कारण मैं उधर गया था, आज मैं बीजेपी का सिपाही। अच्छा, आप तो बीजेपी का ही माने आपको आज के बाद? कहीं ऐसा तो नहीं कल फिर से वापस चले जाओ? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्या हुआ कि आप पहले बीजेपी में थे फिर जेजेपी क्यों ज्वाइन की? क्या वजह रही जेजेपी ज्वाइन करने की? जो हमारी गठबंधन सरकार चल रही है वहाँ मैं आशीर्वाद लेने के गया था। अच्छा, आशीर्वाद में जैसे उन्होंने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया, पटका पहनाकर मान सम्मान दिया। ठीक है जी, तो पटका पहनना तो कहीं ना कहीं जेजेपी में ज्वाइनिंग मानी जाती है, फिर आज आज बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे आप? क्योंकि आपने मंत्री जी के यहाँ बीजेपी का पटका पहना था, किशन पाल जी के यहाँ जो है, उसके बाद फिर आप जेजेपी के साथ दिखे और आज आप बीजेपी, तो मंत्री जी से क्या खास उम्मीद है आपको? जो है मंत्री का जो विकास देखा मैंने, कार्यशैली देखी। अच्छा, किशन पाल जी की, किशन पाल जी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, आज भी तो अभी सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं आप जो है? आज मेरी पहली मीटिंग है। दीपक जी, ये चमत्कार आपने कैसे किया? जो ऐसा भी चमत्कार नहीं है, परिवार है। अच्छा, और ऐसा है भाई साहब के आगे कोई राजनीतिक वो तो था नहीं। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि पटका पहनने से जेजेपी जोन हो जाएगी या बीजेपी जोन हो जाएगी। हम पहले भी बीजेपी में थे और अपने कृष्ण पाल ताऊ जी के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे और उनके विकास को आगे बढ़ाएंगे, उनको उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। तो तुम देख सकते हैं दीपक डागर जी, तो आज मीटिंग होने वाली है सीएम साहब के साथ, तो यही मान के चले भाजपा नेता विजय लोहिया सीएम साहब से मिले हैं एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते, यही मानकर चले। बदलाव तो नहीं होगा आगे, कल पता लगा यहाँ के जो जजपा नेता है कल आपको फिर लेकर चले गए। हमारे हिंदू समाज में एक मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। भाई गलती छोटों से हो जाती है, नादानी में, अज्ञानवश आगे मकर संक्रांति आ रही है। हम इस उपलक्ष में उन्हें मनाने के लिए हमारे भाई खुद अपने साथ हमारे साथ चल के आए हैं। अच्छा, और मकर संक्रांति पे हम बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे, और हमारी केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के साथ आस्था थी, है और सदा रहेगी। धन्यवाद, ठीक है सर, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए एक बड़ी